नहीं इनको कितनी बार आया, हम तो जब भी जाते हैं तो उदयपुर ही देखते हैं, और कई बार आप अपने आस्था प्रकट करने नाथद्वारा या कई सामाजिक कार्यक्रमों में मंदिर के लोकार्पण में पधारते रहते हैं। तो सामने वाले के लिए कहना चाहता हूँ मैं, जो अभी वर्तमान में वहाँ से जीत के बहुत बड़े बन के घूम रहे हैं, मैंने उनको वहाँ कभी नहीं देखा, वो अपने जयपुर या आसपास। आप इतने सहज स्वभाव के हैं कि हर कोई भी आदमी आके मिल सकता, लेकिन अभी जो नाथद्वारा में आंधी चल रही है, लगभग कल 17 तारीख हो गई, गई 17 तारीख परसों, और आप 17 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की दिल्ली में, तो 1 महीने के लगभग मैं भी घूम रहा हूँ उधर, जो आंधी चल रही है गाँव में, कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है, विकास की जो बातें कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया, विकास तो आप देखो ना, उस जमाने में मेवाड़ ने जो वाटर मैनेजमेंट किया, जय समंद राजसमंद जैसे, पिछोला फतेह सागर जैसे विशाल आज जिलों के नगरी क्यों कहते हैं उदयपुर में, कोई कांग्रेस सरकार ने थोड़ी बनाई है या हमारे कोई नेता ने थोड़ी बनाई, ये मेवाड़ के समय में बना। आज चित्तौड़ का किला ले लो, आप कुंभलगढ़ का किला ले लो, जो महाराणाओं ने निर्मित किया और सरकार को दिया है, सरकार को सौंप दिया, और इसकी राजस्व आज भी हजारों लाखों रुपए में आ रही है, गवर्नमेंट में जा रही है। तो विकास की बात, ये नाली बना देना, ये सड़कें बनानी, और 6 महीने में वापस टूट जाती है, वो ऐसे विकास नहीं होता, वो तो भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। और नाथद्वारा में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार इनके राज में कितने हुए जो आप सभी को पता है, आप प्रवासी भाई यहाँ विराजमान हैं, आप सब जब भी उधर पधारते हैं, या अब तो उस साइड में छोटी सी कोई गड्ढा होती गांव में, हमारे गांव वालों को पता नहीं होता, उसके पहले तो यहाँ पता चल जाता है। तो इतना सोशल मीडिया अभी तेज है, मेरे गांव के शांतिलाल जी सेठ साहब बिराज रहे हैं, आप लगभग महाराज कुंवर साहब से 4-5 बार पहले मिल चुके हैं, तो इस तरह भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, आपसे आपको दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप जैसा सरल स्वभाव का व्यक्ति मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा, मैं भी 30 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपसे ये निवेदन करने आए हम तो, कि ये पीले चावल है और 25 तारीख को पधारना, 25 को नहीं, अब ये 22 तारीख को पहले पहले पधारना, 22 से पहले, क्योंकि 22 को योगी जी पधार रहे हैं नाथद्वारा, उसके पहले पहले आपको पधारना है, और अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज रिश्तेदार गांव पंचायत बूथ वहाँ पर आपको अपना काम संभालना है, और किसी तरह की और भी जो कोई भी समस्या आए तो हम आपके साथ में हर समय खड़े हैं। आपने हमारा मान सम्मान किया, कल से मैं यही था, आप कई लोगों को फ़ोन भी किया, आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे और हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज कुंवर साहब के विजय होने के बाद फिर इसी तरह का आयोजन इसी जगह करेंगे अपन, धन्यवाद। धन्यवाद सीपी दिंग साहब, आए और अपनी बात रखें। सीपी दिंग साहब हमारे मुंबईकरों से बहुत पुराने परिचित हैं, जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो नाथद्वारा क्षेत्र में छोटे से छोटे काम में भी सीपी साहब की बड़ी भूमिका रहती है। भारत माता की वंदे। आदरणीय महाराज कुंवर साहब के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, सामने बिराजे हुए मेरे पिता तुल्य भाइयों और बहनें, आज शिवाजी की धरती पर आने का सौभाग्य हुआ मुझे। सुबह से मैं देख रहा हूँ जो पब्लिक उलट रही है ना, वो एक ऐतिहासिक सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका भी आभार। मैं जब से आपका टिकट का फाइनल हुआ हूँ, गांव गांव में घूम रहा हूँ, एक तरह से आंधी चल रही है, उस आंधी को कितने वोटों से अपन आगे बढ़ा सके वो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब पधार के 25 तारीख को राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करें। आपको एक मुंबई में लोग कहते हैं कि नाथद्वारा में बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, विकास किसका हुआ आपको मालूम है? ये राजस्थान सरकार DMFT फंड से विकास करवाया है, जो भारतीय जनता पार्टी ये DMFT फंड लेके आई उसी से विकास हुआ, न कि राजस्थान सरकार का कोई पैसा लगा। वो यूँ कहते हैं कि राजस्थान सरकार का इतना पैसा लगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा मैं।
अभी तक जो हॉस्पिटल बन रहे हैं या जो आपके स्कूल में कमरे बन रहे हैं वो डीएमएफटी वो अपने भारत केंद्र सरकार के पैसा है, उस पैसे से बन रही है, न कि राजस्थान सरकार ने या सीपी साहब ने खुद के फंड से कोई पैसा लगाया। महाराष्ट्र में एक हुआ हवा लग चला रहे हैं कि नादरा में खूब विकास हुआ, आप पधारो वहाँ पे, विकास कैसा हुआ। अभी भी जो प्रधानमंत्री की सड़कें बन रही है, रेल की योजना आदरणीय सांसद महोदय ने रेल लाइन की योजना पास करवाई है, नादरा में मावली मारवाड़ की योजना पास करवाई है, 4 लेन बनवाया नया, ये 10,000 करोड़ का काम आदरणीय मोदी जी ने नादरा विधानसभा क्षेत्र में करवा चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप एक बार भारत कुंवर साहब को विजय बनाइए, 10,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ के काम हम करवाएंगे और वही आपकी बदौलत से आप कोटे जहां पे काम करवाएंगे। इसी आशाओं के विश्वास के साथ मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब परिवार पधार कर भारत कुंवर साहब को वोट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 2-3 वक्ता और बचे हैं, लेकिन उसके पूर्व एक छोटा सा सम्मान हम उन लोगों का करवाना चाहते हैं जो पिछले 10 दिन से इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जुटे हुए थे। मैं महाराज कुमार साहब से अर्ज करूंगा कि आपके हाथों ही उनका अभिनंदन हो। सबसे पहले मैं गणपत सिंह जी, चौहान साहब, ये तीनों जो संयोजक आप आ जाओ, आपका अभिनंदन। दुपट्टा श्रीनाथ जी का समर्पित हो रहा है, तीनों संयोजक महोदय आ जाओ। गणपत सिंह जी चौहान का अभिनंदन। मुकेश भाई, शैलेंद्र जी, प्रहलाद जी जोशी जिला संयोजक आईटी, और भरत जी द्रौपदी आ जाए, भूपेंद्र पुरोहित जी, पत्रकार प्रकाश जी प्रजापत, भानु जी प्रजापत, रितेश पाठक जी, बंशीलाल जी जो बहरीन से आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, हमारे बिल्कुल कितने ही दिनों से जुटे हुए थे हमारे साथ, आइए बंशीलाल जी, नरेश जी पुरोहित, भाई अशोक जी वैष्णव आप आगे आ जाएं, राकेश जी जोशी, चेतन जी लक्षकार, रामू जी पालीवाल, ईश्वर सिंह जी, कमलेश जी आगोदड़ा और प्रताप सिंह जी, जिन जिनका मैंने नाम लिया अति शीघ्र मंच पर आ जाएं। जल्दी से जल्दी जिनका मैंने नाम लिया है अति शीघ्र आ जाएं। बहरीन से पधारे हैं बंशीलाल जी, जिन इन्होंने जो 10 दिन पहले देखा कि महाराज कुमार साहब बॉम्बे आ रहे हैं, स्पेशल ये टिकट कराकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। क्रमशः जल्दी से जल्दी जल्दी से सम्मान ग्रहण करके आगे पधारते रहे। सुभाष जी सामोता, अशोक जी वैष्णव आप दोनों भी इसी क्रम में सम्मिलित हो जाएं। अशोक जी सरपंच साहब, बाबू भाई, जल्दी से सम्मान ग्रहण करके अपने यथास्थान विराजित हो जाएं। सम्मान ग्रहण करके अतिशीघ्र म्यूजिक शुरू कर दो आप, बैकग्राउंड म्यूजिक। पुष्कर जी और सरल जी आप इधर आ जाएं दोनों। बस 2 मिनट के बाद हम महाराज कुमार साहब को सुनेंगे।
खीम सिंह जी मलाड़ वाले वो भी पधार जाएं।